हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी शेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। इस टिप से आप अपनी शेडिंग में काफ़ी स्मूथ और रियलिस्टिक लुक्स ला सकते हो। यहाँ पे मैंने दो शेप्स बना लिए हैं जिसमें आपको बताने वाला हूँ किस तरीके आप अपनी शेडिंग को इम्प्रूव करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली लोग करते क्या है, एकदम डार्क पेंसिल को चूज़ करेंगे और एकदम सामने से पकड़ के काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से शेडिंग करते हैं। इसे शेडिंग अच्छे से हो नहीं पाती, यहाँ पे लाइनिंग लाइनिंग से आ जाता है और ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होता। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने एकदम आगे से पेंसिल को पकड़ा है और किस तरीके से शेडिंग हो रही है, इसी कारण क्योंकि मैं शेडिंग्स में लाइनिंग सी आ जा रही है, जिसके कारण ये शेडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो पाती और ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं हो पाता। यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग सिस्टम से या फिर ब्रश से यूज़ करूँगा, फिर भी अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये ब्लेंड नहीं हो पा रहा है, ऊपर के पार्ट को भी ऐसे ही कर लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। दूसरे वाले शेप्स को भी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, देखिए ये भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो चलिए अब इसको हम करके देखते हैं। इसमें आपको पेंसिल को काफ़ी दूर से पकड़ना है और एकदम लाइट प्रेशर से हल्का हल्का ब्लेंड करना है। आपको डार्क एरिया पर डबल कोट कर सकते हैं, बट आपको एकदम लाइट प्रेशर रखना है। हल्का पेंसिल को दूर से पकड़ के एकदम लाइटली आपको लाइट पेंसिल को चूज़ करना है और पेंसिल को हमेशा शार्प रखना है। डार्क एरियाज के लिए यहाँ पे आप ज़्यादा डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हो या फिर डबल कोटिंग कर सकते हो, पर अगर आप ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करोगे तो शेडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी और वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगी। हम लोग 3D ड्राइंग बना रहे हैं तो हमें लाइट और शेडो का ध्यान रखना होगा, क्योंकि तभी जाके अच्छे से रियलिस्टिक लुक आएगा। तो यहाँ पे आगे की तरफ से लाइट आएगी तो हमें हल्का सा लाइट रखना है, इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि अगर लाइट पड़ रही होगी तो ये चमकता रहेगा हल्का सा, ये काफ़ी लाइट एरिया होगा और पीछे का एरिया इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डार्क होगा क्योंकि वहाँ पर परछाई बन रही होगी। तो सामने के एरिया को हमें यहाँ पर लाइट कर लेना है, हल्का स्लाइड रखेंगे बाकी एरियाज से, और पीछे के एरियाज को सबसे ज़्यादा डार्क रखेंगे क्योंकि यहाँ पे पीछे का एरिया है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं आ रही है तो यहाँ पे ये डार्क रहेगा। अभी अच्छे से ब्लेंड होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पे मैं मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे टिश्यू पेपर या फिर ब्लेंडिंग स्टम का यूज़ कर सकते हो। मेकअप ब्रश से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ शेडिंग होती है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आता है। पूरे एरिया को हम ऐसे ही शेड कर लेंगे जिससे काफ़ी अच्छा और रियलिस्टिक लुक आएगा। अब लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हमें शेडो बनानी होगी, क्योंकि रियलिस्टिक तभी लगेगा जब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में शेडो होगी। दूसरे शेप को भी हम उसी तरीके से शेड कर लेंगे। यहाँ पे हम पेंसिल को पीछे से करते हुए और लाइटिंग और शेडो का ध्यान रखते हुए, और अब दोनों ही आर्ट का डिफरेंस आपके सामने, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है पहली और दूसरी आर्ट्स में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।